हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है किस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के कि सिक फंक्शन कैसे काम करता है और क्या इसका मतलब है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है, जरा देखिएगा। इस टेक्स्ट फाइल में लंबा चौड़ा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, हेलो हाउ आर यू लिख दिया, हाउ आर यू। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, कंट्रोल एस कर देते हैं, ये सेव भी हो जाएगा। अब इसके लिए एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है, देखिए पाइथन में किस तरीके से हमने सिक का यूज किया है। यहाँ पर ओपन करवाया, यहाँ पे ओपन लिखने का मतलब ये है कि आपको क्लोज करना पड़ता है, हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप विथ ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू मैंने एक बना दिया है एफ नाम का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो है सूरज जी डॉट टी एक्स टी, फाइल का नाम क्या है सूरज जी डॉट टी एक्स टी, जो बनाया टेक्स्ट फाइल इसका क्या नाम है सूरज जी डॉट टी एक्स टी, यही लिखा है ना। तो अभी हेलो हाउ आर यू लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा मतलब तीसरे से चालू है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर कर देता हूँ, लाइक फोर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फोर, तो अभी इसका मतलब क्या निकलेगा। कंट्रोल एस इसको भी करता हूँ और एक बार चलाते हैं फाइव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ ओ हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है। तो अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये चौथे कैरेक्टर से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो सिक फंक्शन जहां से आपका पोजीशन रहता है, करंट पोजीशन से लेकर लास्ट तक प्रिंट करता है, ये याद रखिएगा। जब भी सिक फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो सिक फंक्शन क्या काम करता है, सिक फंक्शन जो है करंट पोजीशन से लास्ट तक आपको प्रिंट करके दे देता है। तो देखिए कैसे ये लास्ट तक प्रिंट कर रहा है, जरा देखिएगा यहाँ पर करंट पोजीशन, आप देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर मैंने क्या दिया है फोर दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, अब फोर के बाद, अब देखिए फोर के बाद अब ये फाइव हो गया और फाइव से लेकर के लास्ट पोजीशन। तो आप अगर इसको देखिए, मैंने चलाया भी तो है, चलाकर दिखाया भी तो है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जीरो वन टू थ्री फोर देख रहे हैं, ये फोर के बाद लास्ट पोजीशन मतलब करंट पोजीशन, यही ना है फोर जो है करंट पोजीशन है इसकी। तो फोर से लेकर के लास्ट तक चलेगा, ठीक है, ये इसकी करंट पोजीशन है। तो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ से है ना, तो अभी यहां से लेकर लास्ट तक ये जाएगा। तो आपको आउटपुट में भी सेम दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेकर लास्ट तक गया है, ओ हाउ आर यू लिखा है ना। तो बिल्कुल अब यहां पर अगर मैं फाइव कर देता हूं तो इसकी पोजीशन बदलेगी, जरा देखिएगा फाइव किया तो अभी पोजीशन बदल जाएगी, फाइव करता हूं एंटर करता हूं तो अब देखिए केवल हाउ आर यू प्रिंट कर रहा है, देख रहे हैं। तो अभी क्या होगा, कैसे इसको हम इवेल्युएट करेंगे, कैसे देखेंगे, तो देखिए यहां पर आते हैं आप, देखिए जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव, यहां पर फाइव खत्म हो गया, यानी कि फाइव यहां पर आ रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये लेकर के लास्ट तक ये यहां तक जाएगा। तो पूरा ये इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है ना, हाउ आर यू प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिक्स कर देता हूं तब क्या होगा, तो सिक्स अगर कर देते हैं तो करंट पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहां से आते हैं और इसको चलाते हैं, तो ये देखिए यहां पर सेम वही चीज, यहाँ पे हाउ आर यू प्रिंट करके हमें दे रहा है। अब ये गैप भी काउंट कर रहा है, ठीक है, जैसे आपको बताया था कि स्ट्रिंग में गैप भी काउंट करता है, तो गैप भी काउंट कर रहा है, इसी वजह से अभी भी ये हाउ आर यू ही प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं अपने कैरेक्टर पे आते हैं जो हमने लिखा है, टेक्स्ट फाइल जो बनाई है, देखिए जीरो वन टू थ्री फोर और ये फाइव हो गया और ये सिक्स हो गया, तो यहाँ पे सिक्स ही तो दिया गया है, तो इसीलिए सिक्स पोजिशन से ये प्रिंट करके हमें दे दे रहा है। अगर सेवन कर देते हैं तब ओ डब्ल्यू हाउ आर यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सेवन करता हूं तो ओ डब्ल्यू हाउ आर यू आएगा, तो देखिए ओ डब्ल्यू हाउ आर यू नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। तो अगर आपसे सिक फंक्शन पूछा जाए तो आप आसानी से एग्जांपल बता दीजिएगा, यहां पर हमने सिर्फ रीड करवाया इसे।